वेलकम टू जामगढ़। आज है 3 सितंबर 2019 और 3 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को दबा लीजिएगा, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आइए आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में इथियोपिया देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। इथियोपिया में इस खोपड़ी की खोज करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है यह खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस नामक प्रजाति से संबंधित है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक मानव के पूर्वजों की एक प्रमुख प्रजाति है जो कि 1.5 से 4 मिलियन साल पहले मौजूद थी। अब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इथियोपिया की, तो इथियोपिया के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इथियोपिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इथियोपिया की राजधानी अडिस अबाबा है। यहाँ की राष्ट्रपति सेहल वर्क जेवड़े हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री अहमद अली हैं और यहाँ की करेंसी बिर है। तो ये सारे फैक्ट इथियोपिया से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। आज की वीडियो का टारगेट हमने 50 लाइक रखा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और आप भी डेली मॉर्निंग में उठकर अपना एक टारगेट फिक्स किया करिए कि आपको आज दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, और डेली कम से कम 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई ज़रूर किया करिए। और इसके साथ ही जितना आपने पुराना पढ़ा है एक दिन पहले का, उसका रिवाइज भी करते रहा करिए। इससे आपकी याददाश्त भी तेज होगी और आपके सारे टॉपिक क्लियर भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पारित किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पास किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बलपूर्वक लालच तथा धोखाधड़ी से धर्मांतरण करने पर रोक लगाने के लिए एक बिल पारित किया है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 को पारित किया है। इस विधेयक के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन पर 5 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आइए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे में यहाँ पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जबकि ठंडियों के समय यहाँ की राजधानी धर्मशाला हो जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के राज्यपाल हाल ही में नए बंदारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं। इन्होंने कलराज मिश्र का स्थान लिया है। तो कलराज मिश्र राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोशियारी बनाए गए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए हैं और तेलंगाना की नई राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन बनाई गई हैं। तो हाल ही में इन नए 5 राज्यपालों का गठन किया गया है। तो ये आपको सारे रिवाइज करा दिए हैं मैंने, उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद हो गए होंगे। ना याद होंगे तो टेंशन मत लीजिए, डेली रिवाइज करा दिया करूँगा, कुछ दिनों में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय धावक ने 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। भारत से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जिनसन जॉनसन ने ISTAF बर्लिन प्रतियोगिता में 1500 मीटर में रजत पदक जीता है और साथ ही 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उनका 1500 मीटर का नया रिकॉर्ड 3:35.24 सेकंड का है। इसके साथ ही ये फैक्ट आपको याद रखना है, जिनसन जॉनसन का संबंध केरल राज्य से है और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि केरल के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने गए हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या है?
तो त्रिवेंद्रम है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही एला वेनिल वला रिवन किस खेल से जुड़ी हुई है? तो एला वेनिल वला रिवन निशानेबाजी से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। भारत की 20 वर्षीय शूटर एला वेनिल वलेरिवन ने ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में सीनियर वर्ल्ड में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये सस्विनी देसवाल ने भी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गौर से देखा होगा आपने तो इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, इन्होंने एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और यशस्विनी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए कहा करता हूँ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अभी तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता थी। यह शहर धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि कुछ सालों में यह शहर डूब जाएगा और हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि देश की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर पूर्वी कालीमंतन प्रांत में एक साइट में स्थानांतरित किया जाएगा। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के कजान में वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले एस अवस्था नारायण किस राज्य से हैं? याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये बिल्कुल अच्छे से इनको रट लिया करिए या फिर दिमाग में सेट कर लिया करिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओडिशा। तो एस अवस्था नारायण ओडिशा राज्य से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। ओडिशा के एस अवस्था नारायण ने रूस के कजान में वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारतीय प्रतियोगियों में बेस्ट ऑफ नेशन का पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये फैक्ट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, रूस में किया गया और पार्टिकुलर जगह पूछे तो कजान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंगीकार नामक अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय ने अंगीकार नामक अभियान शुरू किया है। अब ये अंगीकार अभियान क्या है तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस अभियान के द्वारा जल व ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य पौधरोपण, स्वच्छता इत्यादि जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। अब देखिए, कचरा प्रबंधन की बात की गई है तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि भारत का पहला कचरा कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थापित किया जा रहा है। अब बात आती है कि भारत के केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीता है? तो हाल ही में चार्ल्स लेकलर ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। लुइस हैमिल्टन को एक सेकंड से भी कम के अंतर में हराकर चार्ल्स लेकलर ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यह उनके फार्मूला वन करियर की पहली जीत थी। यह फेरारी की भी इस वर्ष पहली जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले
सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स देख लेते हैं। लसित मलिंगा ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले T20 मैच में 99 विकेट के साथ ही T20 इंटरनेशनल में सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बन गए हैं। लसित मलिंगा ने पाकिस्तान के पूर्व स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाहिद अफरीदी ने 99 इंटरनेशनल T20 मैचों में 98 विकेट लिए थे। एक फैक्ट आपको और बताता हूँ, हाल ही में भारत के जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में टी पोली के बाद अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले बॉडी बिल्डर कौन बने हैं? तो हाल ही में एस भास्करन टी पोली के बाद अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले बॉडी बिल्डर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग में 1999 में टी पोली के बाद अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले बॉडी बिल्डर एस भास्करन बने हैं। तमिलनाडु के 41 साल के इस खिलाड़ी ने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, चाहिए तो किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समझ लीजिए इनको 20 साल बाद अर्जुन पुरस्कार बॉडी बिल्डिंग में मिला है। अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई वाला 4000वां रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो हाल ही में मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई पाने वाला 4000वां रेलवे स्टेशन तिनसुकिया जंक्शन बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब तिनसुकिया जंक्शन कहाँ पड़ता है? तो ये भारत के असम राज्य में पड़ता है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सर्वानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। नेक्स्ट, हाल ही में इप्सोस द्वारा जारी ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो हाल ही में इप्सोस द्वारा जारी ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में भारत को 9वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में अन्य डिटेल्स जान लेते हैं कि इसमें पहले नंबर में कौन सा देश रहा और लास्ट में कौन सा देश रहा। तो शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा रहे हैं, जबकि लास्ट में रूस रहा है। कुल कितने देशों में की गई थी? तो 28 वैश्विक बाजारों में यह सर्वे किया गया था। देखिए, एक हैप्पीनेस सर्वे हुआ करता है कि मनुष्य कितना खुश रह रहे हैं, लेकिन ये बाजारों में सर्वे किया गया था, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कल की वीडियो का आंसर है, किस राज्य की कंदागी साड़ी तथा डिंडीगुल ताले को GI टैग प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। अब आपके लिए आज का चैलेंज है, इस चैलेंज को आप सभी को पूरा करना है। राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? अभी अभी मैंने वीडियो में ही आपको इसका आंसर बताया था और कल भी इसका आंसर बताया है। तो अगर आपको आंसर याद है तो फटाफट कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।